जय श्री राम। हम आप सबकी बहन आरती घोसी आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी जनों को स्वागत है। आप सबके लाने बता रहे हैं आजकल हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की से जुड़ी भाई ऐसी खास जानकारी। तो आज आपके लाने बताए जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो कि बिहार पटना में नौबतपुर में जो श्री हनुमत कथा को आयोजन हो रहा है, तो वो में कछु महिलाओं ने चोरी करी है और वे उनकी हिरासत हुई हो। पूरी जानकारी दे हैं वीडियो में, आप सब पूरे वीडियो के लाने ध्यान से देखिए। जो भैया आपको पता चले कि अच्छी जानकारी है गलत जानकारी है, और अच्छी जानकारी लगे तो कमेंट करके बता दीजिए। पहले तो वीडियो को लाइक करो, और जो नए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो अभी चैनल के लाने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन हो प्रेस कर दे, घंटी के ऑप्शन हो दबा दे, तो हमारा वीडियो आप सबके लाने सबसे पहले देखने के लाने मिलत रहे। कर दू ये तो काम तो कराई दू जो कौन से इतने काम करे में पैसा लग रहा है, यहाँ फ्री सेवा है। नहीं आराध्या नहीं करो, झाड़ू लग रहे इनकी देखो। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम में जो के लोग मन से लू करते चोरी से करते, अब माताएं बहनें भी ये काम में उतर आई हैं चोरी करवे के काम में। कैसे ऐसी बहुत सी शिकायत आ रही थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथाओं में के जो कि पुलिस बल तैनात है, मतलब पुलिस बल तैनात हैगी और सवाई कछु की सुरक्षा के लाने देखत भाई। लेकिन आप सबको पता है कि उन कछु महिलाओं की चैन है या मंगलसूत्र है या जो भी है अपना जब श्रृंगार वगैरह है, जैसे हार है मंगलसूत्र है और चैन वगैरह है, कान की बाली वगैरह है, जैसे भीड़ में महिलाएं तक चोरी करन लगी हैं और महिलाओं के लाने 24 महिलाओं को पकड़ो भी गए, 24 महिलाओं हिरासत में ले लगो है। वो कैसे हिरासत में ले लगो है आप सबके लाने वो बता रहे हैं हम। लेकिन आपको जो खास जानकारी है वो तो दे दें, सभी खास जानकारी देते ही रहते हैं हम। एक तो हमारी मोड़ी कर रही हैं परेशान, सो हमें वीडियो में तनक दिक्कत होने लगा था का करें, तो परेशानियाँ हो जाते हैं बाल बच्चे अभी तो कब रह कर हैं तो कब कर हैं, अपन ने भी करो जगह अपने दद्दा होगी ला रहे परेशान, तो हमारी बिन्ना हमें कर रही हैं। तो आप सबके लाने जानकारी बता रहे थे, हाँ महिलाओं ने चोरी कर ली, मतलब 24 महिलाओं की हिरासत में लेंगे ले लाओ है उनके पुलिस बल ने। पुलिस बल ने ऐसे जाँच करी, मतलब सिविल ड्रेस में महिलाएँ हती जो कि सिविल ड्रेस में हैं हती, तो उन्होंने भीड़ में जैसे जा अब भीड़ में रहे तो पुलिस वाले उनकी शक्ल पे थोड़ी लिखो बिना वर्दी के है कि जी पुलिस वाले आए कि या को आए, तो नहीं महिलाओं के लाने देख लो, जबकि उनको ग्रह है 24 सदस्य और मतलब पता नहीं कितने जने हैं संग, मतलब एक झुंड है एक जैसे कछु समूह रहे थे, तो कम से कम 30-40 महिलाओं को समूह बताओ जा रहा है कि 30-40 महिलाएँ समूह में आके जगह जगह जहाँ भीड़ भाड़ रहे थे तो उतर जाके जी अपना कार्यक्रम दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं चोरी करवे की। माताएं बता पहले तो लोगों की सुनते भज्जा हरे करते चोरी, अब बिरना दीदी हरे सोई उतर आई है काम में, बताओ इतने अच्छे काम में भगवान की कथा हो रही, हनुमान जी को कथा हो रही, श्री राम भगवान की पूजा पाठ हो रहा है और ऐसे वो में जाके दीदी हरे अपना चोरी कर रही हैं, बताओ शर्म ने लगी इनके लाने, बताओ माता हरा के लाने। कछु तो सोच लेते कि इतने भव्य आयोजन हो रहा है और अपन दूर दूर से लोग माताएं बहनें पहुंच रही हैं कथा सुनवे के लाने और उनके लाने का चोरी दिखा रहे। देखो कलश यात्रा में भी जब गई थी माताएं, कलश यात्रा भाई थी 12 मई को, तो वो कथा के दौरान भी कछु माताओं ने अपना हाथ साफ करो है उनकी सोने को मिला मंगलसूत्र, और इसे पहले सचेत करते रहते हैं कि माताएं बहनें कीमती जेवर जा तो पैर के नहीं जाए, ने बताएं हमारा जो है हमारा वो है, अब चलोगो अब तो बैठी हूँ कहली पैर के नहीं जाती तो जो नौबत ही नहीं आती भी देने हैं जो न छुराओ लुकाओ है अगर उन्होंने देने हो तो भी लुका दी थोड़ी और का पता कहाँ की, अब बताई जा रही कि बिहार की हैं कछु और कछु यूपी की हैं, अब पता नहीं मैं नाह कहाँ कहाँ की हैं और कहाँ कहाँ के ने चोरी करी हुजे हो, अभी तो पकड़ी गई ऐसे कि अपनी मैडम हारे सिविल ड्रेस में हती पुलिस वाली दीदी हरे सो पकड़ी गई हैं, और पता नहीं कितने जने हुई हैं अब उनके ऊपर 100 धारा लगाई गई, 109 धारा लगाई गई है, अब जो का हो तो जो हमें नहीं है पता ये धारा में का होते का नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर केस दर्ज कर लगाओ है। अब 24 ही महिलाएँ हिरासत में भाई हैं, लेकिन जब 24 हो गई हैं तो बाकी की भी हो जाएं और अलग अलग समूह हुई हैं, अब भगवान जाने जो तो वही जाना तुम अब दीदी हरे बताओ यार, मगर फिर भी सोचवे की बात है कि नहीं है कोई मेहनत करके पैसा कमाओ, चाहे इतनी सरकार ने इतनी सारी योजनाएँ निकाल दी हैं माताएँ बहनों की लाने के हद से ज़्यादा योजना निकाल दी, जहाँ तुम्हारी जो कछु में रुचि हुई तो वे योजनाएँ निकाल दी हैं, मगर चोरी करन लगी, बताओ चोरी तो नहीं करो यार मेहनत को करो, अब जे पड़े पकड़ी गई जेल में बैठी हुई हैं
खा रही हुई है दार रोटी और बस इन्हीं मिल रही हुजे का हम दे हैं ऐसे आदमों के लाने धर्म को काम में भड़ियाई कर वेगा ही सरम ने डूब मरो चज्जे तो इतना से पानी में तुम और देवी हरो जो भड़ियाई करा थे हम जैसे हैं तो हमें लाना कछु ज़्यादा मेहनत को काम नहीं आता तो हम अपने दीदी भैया हरों का दिमाग खाते हैं रोज को वीडियो बना के और उन्हें इसे कहते हैं कि अपनी बहन को मदद करो ऐसे सभी जने भड़ियाई करने लगे तो होगा काम कछु तो शर्म कर ले दीदी हरो कछु तो शर्म कर ले भज्जा हरो तो ठीक कहानी भज्जा हरे तो भज्जा हरों के लाने भी शर्म की बात है लेकिन भज्जा हरा ठीक है बिना ही हरे उतर आई बाजार में भड़ियाई करवे के बाजार में। चलो ठीक है आज की वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को ज़्यादा नहीं है तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए काय से आप आई की तो बहने आए यार बताओ हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं हम तो भैया फ्री सेवा कह रहे आप और फ्री सेवा है अब तक जो वीडियो में बने हुए तो भी कर दीजिए ठीक कमेंट करके भी बता दीजिए जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी है और नहीं लगी है तो काय नहीं लगी है कौन सी जानकारी खराब लगी सब कुछ भड़ास न कर दे पर कंजूसी न करूँ पर ठीक है जय श्री राम मिले अगले वीडियो में तब तक इंतजार करो अगले वीडियो को ठीक है वीडियो शेयर भी कर दीजिए पैसा नहीं लगा फ्री है।